चुनाव से पहले ही भाजपा ने कांग्रेस पर साधा अपना निशाना। जिला भाजपा मुख्यालय दबरई पर भाजपा नेताओं ने जमकर किया हल्ला बोल। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया है। भाजपा नेता इस मामले को बड़ा तुल दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इसी को लेकर आज शनिवार को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर भाजपा के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के झारखंड राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र साहू के घर से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामदी होने के मामले में भाजपा ने कांग्रेसियों पर हमला बोला और भाजपा नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त नाराजगी नजर आई। इस मौके पर सांसद सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। पार्टी के द्वारा जो लगातार देश स्वतंत्र हुआ है, तब से लगातार जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के बाद भी कहीं ये सत्ता जरासी भी मिल जाती है या कोई सांसद या राज्यसभा सांसद उनका बनता है तो कहीं कहीं भी ये भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं चूकते हैं। इसी क्रम में 3 दिन से लगातार एक धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर जो छापा मारा है सरकार ने, उनके 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। जो पैसा गिनने वाली मशीनें हैं, वो पैसा गिनने वाली मशीनें भी अपने को पैसा गिनने में असहाय महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक वहाँ की सांसद है मोहित्रा जी करके, उन्होंने प्रश्न पूछे लोकसभा में। प्रश्न पूछने के लिए जनता प्रतिनिधि को चुनती है, जनता का विकास करें, जनता की समस्याओं को सदन में रखें जिससे देश का विकास हो। माननीय मोदी जी विकास की बात करते हैं, ये कांग्रेस के जितने लोग रह गए हैं वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसी के निमित्त आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम किया गया। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको सजा देने का। आज भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन यहाँ दिया गया है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए और वर्तमान में धीरज साहू जी के संबंध में उल्लेख करते हुए जांच के लिए और दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तो उक्त ज्ञापन को हम लोग विधिवत माध्यम से संबंधित को पहुँचाने का करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।